किंगडम प्रोकैरियोट में हमने बैक्टीरिया को डिटेल में देख लिया, उसके शेप और स्ट्रक्चर को देखा, उसके अलावा हमने बैक्टीरिया के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ को देखा, इसके अलावा हमने बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है, आज हम बैक्टीरिया की ही एक सब ग्रुप को देखेंगे जो कि है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया को हमने देखा था कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी होता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता था, ब्लू ग्रीन एल्जी। वो इसलिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मुमासलत जो है वो एल्जी के साथ है, और उसकी वजह भी यही है कि ये फोटोसिंथेटिक है, फोटो सिंथेटिक। अपनी फूड ये खुद प्रिपेयर करते हैं और इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह से यूकेरियोटिक प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है और कुछ और पिगमेंट्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, इसी तरह साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी यही पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को बल्कि कहा जाता है कि ये ट्रू प्रोकैरियोट्स हैं। ट्रू प्रोकैरियोट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया ही वो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने एटमॉस्फेयर में, शुरू में जब ये दुनिया स्टार्ट हुई उस वक्त इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आई वो साइनोबैक्टीरिया के थ्रू ही आई। साइनोबैक्टीरिया के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, साइनोबैक्टीरिया जो है इनकी शेप और अपेयरेंस, स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी वेरी करता है। जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। आमतौर पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें या साइज़ की बात करें तो हम कहते हैं कि 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इसका जो है वो साइज़ होता है। कुछ और अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते जाएँ, साइनोबैक्टीरिया 3 तरह से पाया जा सकता है, इसके फॉर्म ऑफ लाइफ हम कह देते हैं फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया हमने कहा कि 3 तरह से पाया जा सकता है। एक तो ये कि वो यूनिसेलुलर हो सकता है, दूसरा वो कॉलोनियल हो सकता है, और तीसरा फिलामेंटस। अब इसका क्या मतलब है? यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल पर मुश्तमिल होगा पूरा ऑर्गेनिज्म। कॉलोनियल का मतलब है कि ढेर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इकट्ठे मिलके रहेंगे, उन्हें हम कॉलोनी कहेंगे। और फिलामेंटस क्या है? फिलामेंटस ये है कि चेन ऑफ सेल्स, ढेर सारे सेल्स जो हैं वो इकट्ठे एक लाइन में, एक चेन में पाए जाएंगे, और उस चेन के गिर्द एक शीट पाई जाएगी, तो उसे हम कहेंगे फिलामेंटस। का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का बनता है कि यूं इस किस्म की चेन बनती है, बीच में कुछ इस किस्म के भी सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो चेन है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है। और ये हमारे पास बन गया एक साइनोबैक्टीरिया। इसमें कुछ सेल्स तो यूँ सिंपल होते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े से थिक होते हैं। इस तरह से हम इनको बना देते हैं और इसको साथ साथ लेबल भी कर देते हैं हम। ये जो हमने थिक सेल बनाया है ये वाला, ये कहलाता है हेट्रोसिस्ट। और यहाँ पे दरमियान में आपको एक लंबा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये कहलाता है एकाइनेट्स। और हमने इसकी कवरिंग की बात की, तो यहाँ बाहर पे ये वाली जो कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग, इसको हम कहते हैं म्यूसिलजीनियस शीट। ये एक स्टिकी सा मटेरियल होगा जो इसके बाहर पाया जाएगा। तो ये हमने बना लिया साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को। साइनोबैक्टीरिया के अराउंड जो सेल वॉल होती है, हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ी थी कि सेल वॉल 2 तरह की होती है, एक होती है ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। साइनोबैक्टीरिया के अराउंड जो सेल वॉल होती है उसे हम कहते हैं वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो एक ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की हमने क्या खसूसियात पढ़ी थी? हमने कहा था कि उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड्स और लाइपोप्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो लिपिड है उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 2 लेयर्स इसमें होती हैं। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की। तो वही ग्राम नेगेटिव सेल वॉल प्रेजेंट होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो हैबिटेट जो है वो इसका मोस्टली डैम प्लेसेस हैं, जहाँ पे या तो सॉल्टी वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, डैम प्लेसेस हैं, डैम ट्री ट्रंक हो सकते हैं, डैम रॉक्स हो सकती हैं, इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल हो सकते हैं, या हॉट स्प्रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। ये इसका हैबिटेट, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है।
अच्छा, हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ऑब्वियसली इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके अंदर होने वाला जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। वो क्यों रिजेंबल करता है? वो इसलिए करता है बिकॉज इनके अंदर भी, जैसे कि यूकैरियोटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, इसी तरह इनके अंदर भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, और इसके अलावा फोटोसिस्टम टू पाया जाता है, फोटोसिस्टम टू, ठीक है। और जिस तरह से ग्रीन प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि उनके फोटोसिंथेसिस में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है लाइट रिएक्शंस में, उसके अलावा उनके अंदर एक डार्क रिएक्शन का साइकिल होता है जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं, उसी तरह फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसे हम देख रहे हैं साइनोबैक्टीरियास के अंदर भी ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। और बिल्कुल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से कार्बन लेता है और वाटर के अंदर से इलेक्ट्रॉन को गेट करते हैं, जो कि फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्पफुल होता है, यानी कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनता क्या है? ऑक्सीजन गैस बनती है, जेनरेट ऑक्सीजन गैस। अच्छा, इसके अंदर अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो कि होने ज़रूरी हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें कि कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं इसमें, जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स, और फाइकोबिलिन्स में स्पेसिफिकली जो पिगमेंट यूज़ हो रहा है वो है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन बेसिकली ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, और यही वजह है कि इसके अंदर जो ब्लू कलर आता है वो इसकी वजह से आता है। अच्छा, अब ये फाइकोबिलिन हमने देख लिया, या हमने ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए को देख लिया, ये पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमने कहा कि इसके अंदर चलेगी, वो कहाँ हो गई? सब कुछ हो कहाँ रहा होगा? ये सब कुछ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। प्लांट्स के अंदर भी हम एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं और हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे ग्रैना आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रैना स्ट्रक्चर तो नहीं, बट हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कहलाते हैं फाइकोबिलिसोम्स, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है कि यू 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 करके, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर हमने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पाए जाएंगे, और ये पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? ये पार्टिकल्स हैं फाइकोबिलिसोम्स, ये वाले, और इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है, ये क्या है? ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो ये हमने देख लिया पिगमेंट को। इसके बाद हम देख लेते हैं फूड स्टोरेज को। फूड स्टोरेज जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हो रही है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि एक्सेस फूड इनकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगी। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा था, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमने मेथड देखे थे, एक हमने बाइनरी फिशन देखा था, तो वो इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फिलामेंटस है, तो इस फिलामेंटस बॉडी की वजह से इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन का जो एक मेथड है वो पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन इस तरह से है कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे हमने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया था, इसके अंदर से यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हेट्रोसिस्ट बनी होती है, यहाँ यहाँ से ये जो फिलामेंट है ये ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेक होने से एक न्यू, यहाँ से आप कह लें या इस जगह से, इसको रेड से मार्क करते हैं, यहाँ से या यहाँ से ये फिलामेंट जो है वो टूट जाता है, ठीक है, तो इसके टूटने से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये भी एक तरीका है रिप्रोडक्शन का। और जब ये टूट जाता है तो क्या बनता है? जो एक न्यू यहाँ पे इतना सा छोटा फिलामेंट बन जाएगा उसे हम कहेंगे वो क्या है? वो हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोगोनिया। एक फिगर है मेरे पास साइनोबैक्टीरिया की,
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, हमने कहा था कि इसके बाहर पे एक शीट पाई जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो म्यूकॉइड शीट इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर आपने कुछ चीज़ें देखी थी जैसे कि कैप्सूल है या स्लाइम कोट है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लाइम कोट है, ये कैप्सूल है। इसके अलावा सेल वॉल हमने कहा था बाहर की साइड भी होती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी यहाँ प्रेजेंट है, और पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे काम की जो चीज़ जिसे हम यहाँ पे देख रहे थे फोटोसिंथेसिस के अंदर वो था थायलाकोइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये जो स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है ये है थायलाकोइड मेम्ब्रेन, और थायलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं फाइकोबिलिसोम प्रेजेंट है। दरमियान में आप उसी तरह से जैसे हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियॉइड है, और उसके न्यूक्लियॉइड और उसके अंदर डीएनए, और यहाँ पर आप कुछ और स्ट्रक्चर जैसे कि राइबोसोम्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो कहलाती है नोस्टॉक, उसको भी हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में। नोस्टॉक क्या है? नोस्टॉक बेसिकली एक टेरेस्ट्रियल साइनोबैक्टीरियम है, और मोस्टली ये अल्कलाइन सॉइल के अंदर पाया जाता है, अल्कलाइन सॉइल के अंदर या फिर मॉइस्ट रॉक्स वगैरह जो क्लिफ्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, मॉइस्ट रॉक्स एंड क्लिफ्स। इसका जो स्ट्रक्चर है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, और जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल फिलामेंट्स भी पाए जा सकते हैं जो कि आपस में एम्बेडेड होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को सेपरेटली देखें तो ट्राइकोसोम इसके हमारे पास एक एग्जांपल है, ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स, ठीक है। और ट्राइकोम्स क्या है? ये हमारे पास अनब्रांच्ड या बीडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, अनब्रांच्ड या बीडेड, ठीक है, बीड्स की तरह का स्ट्रक्चर होगा इनका, और स्फेरिकल होंगे ये या सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। अब ये जो बीडेड हमने स्ट्रक्चर देखा है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सेल्स होंगे, ये क्या होंगे? ये मोस्टली तमाम सेल जो हैं वो सेम होंगे, एक तरह के होंगे, बट इनके अंदर कुछ सेल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट किस तरह से होते हैं? जैसा कि हमने ऊपर इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा, यहाँ पर अगर आप देखें साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर तो कुछ सेल जो हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, राउंड होते हैं, उनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, यानी आप समझ लें कि लाइट येलो सा या थिक वॉल्ड सेल्स होंगे, और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हेट्रोसिस्ट, यहाँ पर जैसे आप हेट्रोसिस्ट देख रहे हैं, जिसको मेंशन भी कर देते हैं, बल्कि हमने कहा कि सेम सेल्स हैं बट कुछ सेल्स डिफरेंट हैं, और वो जो सेल्स डिफरेंट हैं वो किस तरह के हैं कि सम स्मॉल राउंड लाइट येलो और थिक वॉल सेल्स हैं जो कि हैं हेट्रोसिस्ट, और फिलामेंट क्योंकि फिलामेंट के फॉर्म में है तो फिलामेंट जब टूटता है, वो हमने आपको बताया था कि वो जब टूट जाता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है होमोगोनिया। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया, इसके बाद हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर भी एसेक्सुअल ही पाई जाती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर क्योंकि फिलामेंटस इसका स्ट्रक्चर है तो इसके लिए इसलिए इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होमोगोनिया वाली पाई जाएगी, ठीक है। होमोगोनिया क्या है? ये हमने आपको बताया कि लॉन्ग फिलामेंट जब हमारे पास होता है वो समटाइम्स ब्रेक हो जाता है कुछ स्पेशल जगहों से, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, और वो जब टूट जाता है तो नया स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम कहते हैं होमोगोनिया। इसको मेंशन भी हम कर देते हैं। और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट है हेट्रोसिस्ट। तो ये हमने देख ली इसके अंदर रिप्रोडक्शन। कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स और भी बनते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, बल्कि नोस्टॉक के अंदर भी बनते हैं, जिनको हम कहते हैं एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या हैं? एकाइनेट्स जो हैं ये भी जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास हेट्रोसिस्ट बन जाते हैं या होमोगोनिया बन जाते हैं, इसी तरह की एक फॉर्मेशन है हमारे पास जिसे हम एकाइनेट भी कहते हैं। और एकाइनेट में क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों से, वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर भी थिक वॉल्ड एनलार्ज्ड सेल होता है, लेकिन वो सेल वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव का मतलब यह है कि वो मजीद ग्रो करके या रिप्रोड्यूस करके कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी बना सकता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये रेस्टिंग सेल है, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ये तभी जाके नॉर्मली जर्मिनेट, जिस तरह से हमारे पास सीड्स होते हैं ना जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर जब हम उनको मिट्टी में डाल देते हैं, उन पर पानी डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर जर्मिनेट करते हैं। तो एकाइनेट्स जो हैं ये भी ऐसे साइनोबैक्टीरियल सेल्स हैं जो कि
रेस्टिंग फॉर्म में है या इनएक्टिव फॉर्म में है, और जब इनको और इनके अंदर फूड स्टोर होती है, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तभी ये सेल जो है वो नॉर्मल बन जाते हैं और वो फिर वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं। यहाँ पे जब हमने इसका एक स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने मेंशन किया था एकानेट्स को, ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये बाकी सेल से ये थोड़ा बड़ा है, थिक वॉल्ड होता है, एनलार्ज्ड होता है, और इसके अंदर फूड स्टोर होती है। नोस्टॉक की एक एग्जांपल भी है हमारे पास, सॉरी एग्जांपल नहीं, फिगर ही है हमारे पास, और फिगर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोस्टॉक दिखाया गया। हमने कहा था कि नोस्टॉक स्फेरिकल है और बीडेड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आप बीड्स के फॉर्म में देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस है। इसका साइज़ अगर आप देखें तो निस्बतन इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, यहाँ पर अगर आप मीटर पर देखें तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर अंदाजन इसका साइज़ है, और जेली लाइक सब्सटेंस है, और जब ये टूट गया है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकल रहा है। डैम्प प्लेसेस में या मॉइस्ट रॉक्स वगैरह में आपको ये मिल सकता है। तो ये हमने नोस्टॉक को देख लिया। इसके बाद हम साइनोबैक्टीरिया की इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, कि हमने साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिटेल में देख लिया, तो अब हमें ये देखना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, साइनोबैक्टीरिया का हमें क्या फ़ायदा है। वन बाय वन इसको स्टेप्स की फॉर्म में देखते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ देखेंगे वो ये है कि साइनोबैक्टीरिया हमने कहा था कि ये अल्कलाइन सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, यानी कि स्पेशली नोस्टॉक को हमने कहा था कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ये करता है कि ये उसको रिसाइकलिंग में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट साइकिल जो एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं, स्पेशली जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तकरीबन 1/3 साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और स्पेसिफिकली इसके अंदर हेट्रोसिस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक का हमें क्या फ़ायदा होता है कि वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस, रिलीज़ ऑक्सीजन। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया को हम पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसके ऐसे फॉर्म्स हैं जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है ऑसिलेटोरिया, तो ऑसिलेटोरिया को जो है वो हम पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि साइनोबैक्टीरिया जो है इसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है विद अदर ऑर्गेनिजम्स, और वो बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया या फंजाई हो गया या एंजियोस्पर्म्स हो गए, उनके साथ इसका सिम्बियोटिक रिलेशन है। सिम्बियोटिक रिलेशन क्या होता है? ये वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। इसके एक एग्जांपल जो है वो लाइकन्स जो है ये एसोसिएशन है फंजाई और एलजी की, जिसमें फंजाई और एलजी जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एलजी जो है वो फंजाई को फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन देती है, ठीक है। अब लाइकन्स की तरह की ही एक एसोसिएशन जो है वो साइनोबैक्टीरिया की भी पाई जाती है, जिसमें ये होता है कि साइनोबैक्टीरिया और फंजाई इकट्ठे रहते हैं, और जिस तरह से एलजी फंजाई को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी है इसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी फंजाई को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये हमने देख लिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, जहाँ हमने कुछ फ़वाद यहाँ पे देख लिए, अच्छे खासे फ़वाद हमने देख लिए हैं, वहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, तो उनको भी हम देख लेते हैं लॉसेस में कि साइनोबैक्टीरिया से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। लॉसेस में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो वाटर ब्लूम्स क्या है? पानी के अंदर साइनोबैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि पानी के अंदर अनप्लेजेंट स्मेल आ जाती है, और ना सिर्फ अनप्लेजेंट स्मेल होती है बल्कि समटाइम्स पानी इतना गंदा हो चुका होता है कि वो अनफिट हो जाता है हमारे नॉर्मल कंजम्पशन के लिए, पानी ठीक नहीं रहता। तो ये इसका पहला नुकसान, और दूसरा नुकसान ये है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, और वो टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेटल होते हैं। नॉर्मली जो लाइव स्टॉक वगैरह हैं वो अगर उस पानी को पीते हैं तो वो उनकी मौत भी वाकई हो सकती है। तो ये हमने कुछ लॉसेस को देख लिया। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जैसे कि हमने साइनोबैक्टीरिया के एक एग्जांपल नोस्टॉक को देखा है, इसी तरह एक और बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं एनाबीना। ये दोनों पर्पजली खुद से कल्टीवेट कराए जाते हैं ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करें, और ये सॉइल फर्टिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ होती है, ये बिकॉज ऑफ इट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो इस वजह से सॉइल के अंदर जो उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा, साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म ऑफ लाइफ देखी, सेल वॉल देखी किस टाइप की है, उसका हैबिटेट देखा, हमने देखा कि ऑटोट्रॉफ है तो फोटोसिंथेटिक है, अपनी फूड किस तरह से बनाता है, इसमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, किस तरह से ग्लाइकोजन में अपनी फूड को स्टोर करता है, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, उसकी हमने एक एग्जाम्पल देखी जो कि थी नोस्टॉक। नोस्टॉक को फिर हमने देखा उसके स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और फिर हमने एकाइनेट्स जो कि इसकी फॉर्म है एक लाइफ की उससे हमने देखा, हमने इसकी एग्जांपल की बात की, और फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस या फवायद देख लिए, और फिर कुछ हमने इसके नुकसान की भी बात की जो कि हमें होते हैं। तो ये था हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया।